हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स की रिवीजन। तो फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्स में सिर्फ थोड़े ही दिन रह गए हैं और एग्जाम्स होने हैं, तो सेकंड चैप्टर है ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट एसिड एंड बेस। एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट, एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर कौन से पर? लिटमस पेपर में क्या होता है, अगर तो एसिड है कोई तो वो ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू टू रेड। एंड अगर बेस है तो वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट। अब इंडिकेटर और कौन से होते हैं? टर्मरिक होता है, टर्मरिक, फिनोल, पैथेलिन, एंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। टर्मरिक किसको डिटरमाइन कर सकता है? बेस को। ठीक है, एसिड पे ये नो रिएक्शन। फिनोल पैथेलिन भी बेस को और ऑरेंज भी बेस को डिटरमाइन करता है। फिनोल पैथेलिन क्या होता है? कलरलेस होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ एसिड और बेस भी है हमें। HCl, HNO3, H2SO4 is sulfuric acid, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वाले क्या है? ये एसिड है जिनमें एच पॉजिटिव आयन है। एच पॉजिटिव आयन है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये वो होते हैं एसिड, और जिसमें ओ एच नेगेटिव होता है वो होते हैं बेस। ठीक है, उसके बाद एसिड एंड बेस रिएक्ट कैसे करते हैं? विद मेटल। तो नंबर वन, रिएक्शंस कर रहे हैं हम, मेटल प्लस एसिड, ये हमें सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। ठीक है, सेम बेस के साथ भी होता है, मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हम इसकी किसी मेटल ले लेते हैं हम, जिंक। एसिड ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 गिव सॉल्ट जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज। नेक्स्ट, बेस के साथ बेस जिंक ले लेते हैं प्लस बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम साइड जिंकेट प्लस वॉट हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो चाहे एसिड और बेस के साथ करो मेटल को, क्या कॉमन चीज है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड रिएक्शन इज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इज CO3 एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट
मेटल ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड HCl गिव सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम मेटल को एसिड के साथ कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिवर्सिबल रिवर्स है रिएक्शन। यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करवाने से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें बेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाने पे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहे, तो इसके CaCO3 प्लस वाटर। नेक्स्ट इन दोनों को रिएक्ट करवाने पे इन दोनों को रिएक्ट कराने पे फिर क्या होता CaHCO3 प्लस ट्वाइस, तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज मेटल कार्बोनेट। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड ले लेते हैं हम H2SO4 प्लस बेस ले लेते हैं हम NaOH, सो इट गिव्स Na सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड विद एसिड, फोर्थ रिएक्शन इज मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी होगी प्लस एसिड ले लेते हैं HCl, इट गिव्स सॉल्ट MgCl टू प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल CO2 प्लस बेस गिव CaCO3 प्लस वाटर। ठीक है, मेटल कार्बोनेट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड टू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, सब एसिड और बेस में क्या कॉमन है। एसिड में क्या है, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और बेस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन इसमें कॉमन चीज है। नेक्स्ट व्हाट हैपन, वाटर सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट है इसका। सीएल एसिड प्लस वाटर H2O, जो HCl है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और इस वाटर के साथ लग के हाइड्रोनियम आयन बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। और अगर हम बेस को लेते हैं तो बेस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एसिड को डाइल्यूटेड कैसे बनाना है। लेबोरेटरी में हम हमेशा कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर डाइल्यूटेड एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड कभी नहीं करते हैं। कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड या HCl एसिड वो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
इसलिए हम उनको क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले डाइल्यूटेड एसिड में, देन उसको यूज करते हैं, ठीक है, लैब्स में। तो जो डाइल्यूटेड एसिड, उसको बनाना कैसे है? एक बीकर में आपके पास H2SO4 है और एक में क्या है, वाटर। तो अब आप वाटर एसिड के अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एसिड क्या करेगा, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा और हार्मफुल होगा। तो वाटर को एसिड में नहीं डालना, एसिड की छोटी सी अमाउंट जो है वो वाटर में डालनी है, इसको वाटर में डालना है, दिस एसिड, दिस इज राइट वे, वाटर। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड एसिड। नेक्स्ट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है, 0 to 7 नंबरिंग होती है पहले तो इसमें, और यहाँ पे 7, 7 अगर किसी की पीएच वैल्यू है, डेट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, वाटर। 0 to 7 तक किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, एच पॉजिटिव आयन की, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक होगा। अगर 0 और 7 के बिटवीन आएंगी, 0 और 6.9 के, 7.1 से 14 तक आएंगी, तो वो होगा बेसिक, और बेसिक में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH नेगेटिव की। नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, नेक्स्ट। अब अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक सोल्यूशन है उसमें एसिड भी है, और कैसे बताएंगे कि वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, अगर तो सेम अमाउंट है एसिड और बेस की, एसिड एंड बेस हैव सेम अमाउंट, लाइक 50-50% दोनों में, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। और अगर एसिड के अमाउंट ज्यादा और बेस की कम है, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर एसिड के अमाउंट कम है और बेस के अमाउंट ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट प्लांट्स और एनिमल्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 7 to 7.8, और इससे कम ज्यादा होने पे उनको हार्मफुल होता है। जैसे अगर टूथ डिके देखें, कि जैसे दांत में दर्द होना, तो वो एसिड के कारण होता है, तो हम ठीक हो जाता है, रिलीफ मिलता है उससे। स्टमक में जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए भी हम बेस कंज्यूम करते हैं, लेमन जूस, बेकिंग पाउडर, इनो वगैरह यूज करते हैं, तो उससे भी क्या है, एसिडिटी से रिलीफ मिलता है हमें। नेक्स्ट, जैसे हनी बीज है या कोई और अदर एनिमल है जो ह्यूमन के पास जाने पे डरते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो हमें क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो जैसे हनी बीज है, वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं, मिथेनोइक एसिड, रिलीज करती हैं। तो और अगर हम उस पे बेकिंग पाउडर या कोई बेस लगा लेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, हमें उससे रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थी एवरीडे लाइफ में पीएच की।
उसके बाद प्रेपरेशंस है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस कैसे प्रिपेयर होता है? प्रेपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट इसमें NaCl प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl को यूज करके हम और प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सेकंड प्रेपरेशन इज प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस प्लस क्लोरीन, यहाँ से हमें गैस रिलीज हुई है। क्लोरीन गैस गिव कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड से ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट इज सोडा। बेकिंग सोडा में NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम इट गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट इज फोर्थ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स Na2CO3, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नेक्स्ट लास्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर खत्म है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।